नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में जियो फाइनेंशियल स्टॉक को डिस्कस करेंगे। 236 के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हमने कहा कि इस समय वीकनेस तो नहीं है लेकिन एक कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड करते हैं दिख सकता है और कुछ ऐसा ही होते इस समय इस स्टॉक में दिख रहा है। तो एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। न्यूज कुछ भी नहीं है, कॉमन न्यूज अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के इंडिविजुअल कुछ भी न्यूज नहीं है। जो डिलीवरी इस स्टॉक में है वो बेटर दिख रही है और जो टेक्निकल ट्रेंड है वो इस समय अपने सेक्टर के कंपैरेटिवली वीक है। वीक क्यों है? जब भी हमने क्या कहा कि टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम में अपने सेक्टर के कंपैरेटिवली वीक हो ऐसे स्टॉक को कमजोर माना जाता है। और अगर इस स्टॉक में देखेंगे कि आज का कामकाज कैसा रहा तो क्या पाएंगे कि 22 लाख की बाइंग रही कंपैरेटिवली 34 लाख के सेलिंग की, यानी सेलर अभी भी इस स्टॉक में डोमिनेंट दिख रहा है। अब आगे देखेंगे तो डिलीवरी बेटर जा रही है और इस समय मार्केट एक अनप्रिडिक्टेड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। 2024 तक देखेंगे तो थोड़ा जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा हो सकता है, जिसके कारण मैंने इस स्टॉक में क्या कहा इस समय इसके ट्रेंड वीक हैं। और जो इसके डिमांड जोन हमने आपको कहे थे, डिमांड जोन क्या कहा था, 220 से लेकर के 232, ये एक डिमांड जोन इस स्टॉक में बनते दिख सकता है। ये जो जोन आपको दिख रहा है ये एक डिमांड जोन बनेगा और टेक्निकली जो वीकनेस आएगी इस स्टॉक में वो 220 के नीचे ही आएगी। तो अगर इस डिमांड जोन में आप खरीदते हैं, और खरीदेंगे कौन, जिनको लगता है कि भैया मैं यहाँ से 3 to 6 month इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ, वही लोग आएंगे। अगर आप चाहें कि नहीं भैया मुझे SL भी लेना है तो 216 के नीचे के SL को लें और यहां से जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट 264, दूसरा टारगेट 360 और तीसरा टारगेट 500। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मिनिमम ये टारगेट तो दिखेगा ही दिखेगा जो इस SL को लेकर के चलते हैं, लेकिन क्वांटिटी बड़ा नहीं, क्वांटिटी लिमिटेड रखे, मेनली क्वांटिटी ऐड करना है 250 के ऊपर। तब तक के लिए क्वांटिटी स्मॉल के साथ ही आप चाहें तो लॉन्ग की पोजीशन कर सकते हैं।